हेलो नमस्कार, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंधित फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ चुका है। आज से 2023-24 का पंजीकरण होना शुरू हो चुका है। अगर दोस्तों आप भी एक नए लाभार्थी है, आपको भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो दोस्तों आप कैसे पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण करने के लिए क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है और पंजीकरण कहाँ पर किया जाएगा और पंजीकरण करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत किन किन राज्य के अंतर्गत 1,90,000 दिया जाएगा, इसका पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 और 2022-23 के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों 2022-23 और 2023-24 के अंतर्गत 1,75,00,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों 2022-23 के अंतर्गत 75,00,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है और इन सभी लाभार्थियों को पैसा भी मिल चुका है। अब दोस्तों बारी आता है 2023-24 के अंतर्गत। तो दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत 1,00,00,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों अगर आप भी एक योग्य लाभार्थी है, आप भी एक पात्र लाभार्थी है, तो दोस्तों आपको भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं और आवेदन कहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों आवेदन अपने ब्लॉक कार्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आज से काम को शुरू कर दिया गया है। आज से आप पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और आपका राशन कार्ड और दोस्तों इसके साथ आपका जमीन का पेपर लगेगा और दोस्तों आपका जॉब कार्ड लगेगा। ये दोस्तों आपको 5 डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसे लेकर आप दोस्तों जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप आवेदन कर लेते हैं, तो आवेदन करने के बाद दोस्तों आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर नाम को ऐड किया जाता है और दोस्तों किन किन राज्य के अंतर्गत 1,90,000 दिया जा रहा है। तो दोस्तों 1,90,000 अभी तो दोस्तों दो राज्यों में दिया जा रहा है, एक दोस्तों झारखंड और दोस्तों बिहार। इसमें दोस्तों राज्य सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों 50,000 करके अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। और दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत पूरे भारत के अंतर्गत 1,90,000 दिया जाएगा। ये दोस्तों अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर अपडेट आ जाएगा और दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत 1,90,000 दिया जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे ही पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर लेते हैं और आपका पीएम आवास योजना के पोर्टल पर नाम को ऐड किया जाता है, इसके बाद दोस्तों आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों निकालने के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल पेज पर आना होगा। इस पेज पर आके दोस्तों आप लिस्ट को निकाल सकते हैं। ये दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों नया नियम लागू कर दिया गया है। 1,90,000 दिया जाएगा पीएम आवास योजना ग्रामीण के 2023-24 के अंतर्गत। जितने भी लाभार्थी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन सभी लाभार्थियों को 1,90,000 दिया जाएगा। और दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत जल्द से जल्द आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप जैसे ही दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको 15-10 दिन के अंतर्गत आपका पीएम आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर आपका नाम ऐड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको 45 दिन के अंतर्गत आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल कर आ चुका है, ये दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत नया नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पता चल गया है कि आप पीएम आवास योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं 2023-24 के अंतर्गत। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।